देखा, और अभी हम थोड़ा सा गुस्से में आके उठा देंगे तो वापस लेकिन अब जाएंगे। आई है, चलो मार्केट, चलो मार्केट, चलो मार्केट, चलो भैया अच्छा मार्केट। वो जो प्लांट है ना, तो वो हम कहीं भी रख सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, बस उसको हवा और रोशनी मिलनी चाहिए। तो ये हमने सोचा था मंगा के देखेंगे, अगर ठीक लगा तो ठीक। सागर भाई कैसे? बहुत बढ़िया। आज काफी दिन के बाद हम लोग सवाल लेने आए, बहुत दिन बाद अभी थी नहीं और अम्मी तो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है हबान, मैं आपके लिए फिर से लेके आ चुका हूँ एक नया व्लॉग। तो आज कुछ अलग ही बात हो गई, मैं अभी नया नया आज घर आया हूँ, आज सैटरडे है। लेकिन आज जब मैं जो है सुबह सुबह उठ के सारा काम किया, तैयार हुआ, नाश्ता किया, उसके बाद मैं जल्द से स्कूल गया, और मैं रास्ते में नोटिस ही कर रहे थे कि कोई बच्चा ही मुझे नहीं दिख रहा है। तो मैं अब्बा के साथ बात करते हुए चलता गया, लेकिन आगे देखा कि गेट बंद है। फिर हम लोग सबसे बड़े वाले गेट पे निकले तो देखा वो भी बंद है। लेकिन आज पता चला कि आज ही छुट्टी है, लेकिन मुझे स्कूल जाना था। तो माँ कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, परसों चले जाना, क्योंकि कल तो संडे भी है इसलिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी अबान को लेकर गए थे स्कूल, लेकिन स्कूल था बंद और बारिश भी हो रही थी। खांसो नहीं आ रही, यहाँ के बोल रहे हैं हम खांस रहे हो आके। तो बारिश भी हो रही थी तो हम लोग खाली भीगने का मजा लेने गए। अरे रुक जा भाई, बोल रहे हैं। फिर जैसे बोलना शुरू करेंगे वैसे खांसी करेगा ये। तो खाली हम लोग भीगने गए, अबे खाली हम लोग भीगने गए। तफरी हो रही खाली है तुम्हारी, कोई बात नहीं, बाद में बात करेंगे। तो आया जब मैं स्कूल से, मैंने देखा है कि मौसम इतना अच्छा है। मैं इतनी सुबह उठा तो मौसम एकदम बारिश का गजब का बना था, और पता चला कि मेरे स्कूल की छुट्टी है। तो आया मैं चेंज करके, थोड़ा सा बातें करके लेट गया। लेटने के बाद मैं थोड़ा फूस हो गया, फूस होने के बाद मैं सो गया। सोने के बाद अभी उठा और देखी कितनी मस्त बारिश हो रही है, और मेरे बालों पर भी कुछ बूंदी पड़ी है। देखिए माँ, मुझे गुइया का पत्ता देखना है। हाँ चलिए देखते हैं गुइया का पत्ता, चलिए देखते हैं गुइया का पत्ता। और छत का ये हाल हो गया है, बारिश की वजह से छत पूरी खराब हो जाती है। अब थोड़ा सा और वेट करते हैं हफ्ता भर, उसके बाद जब बारिश एकदम पूरी तरीके से बंद हो जाएगी फिर हम इसके ऊपर कराएंगे पूरी जो है छत की सफाई, और करवाएंगे पेंट। गमले भी हम लेके आए हैं, आज अनबॉक्स करने वाले हैं उसको, हमने मंगवाए थे तो वो भी हम करेंगे। और चलते हैं देखते हैं घुइया का पत्ता, ये बता रहे थे कि निकला है तो देखते हैं चल के। बहुत बड़ा है। ओ भाई और निकल आया है उसमें, बड़ा है और भी निकला है इसके अंदर। तो ये देखिए कितना बड़ा घुइया का पत्ता है, मतलब ये कितने, एक बालिश, दो बालिश से भी बड़ा है, और एक ये छोटा से और इसमें निकल आया है, और नीचे घुइया इतनी होंगी इसके अंदर, इसमें अच्छी खासी घुइया निकलेगी पकाने के लिए। पूरा भर गया यहाँ पे, ओ ये पूरा भर गया है। अब हम इसकी करेंगे सफाई, ये बहुत ज्यादा ये जंगल सा होने लगा है, ये गार्डन नहीं पूरा जंगल लगने लगा है। अब इसकी हम करेंगे थोड़ी बहुत सफाई। और ये वाले जो हमने अनबॉक्स आज करेंगे, जो गमले हमने मंगाए हैं, ये वाले हम इसमें बैठाएंगे, चेंज करेंगे इसका ये। तो बारिश बहुत तेज होने लगी है, अबान के ऊपर देख सकते हैं। तो चलते हैं नीचे। तो ये अबान बारिश और अपने गार्डन में मस्ती कर रहे हैं, और अबान को सिर्फ एक डांस आता है, यही सिर्फ यही एक डांस आता है अबान को। तो अब हम आ गए हैं दिल्ली से, बहुत कुछ अब हम करने वाले हैं हमने सोचा है, और चलते हैं नीचे। बारिश बहुत तेज होने लगी है, और आने के बाद जैसे ही ये वाला हमने अपना प्लांट देखा तो बड़ा अच्छा लगा, बड़े हो गए हैं, इसमें एक नया रूट आ गया है, बेबी प्लांट आ गया है। स्वयं बेबी प्लांट रहे हैं मेरे मिनी प्लांट, जो इन्होंने ध्यान नहीं दिया, इन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। ये देख सकते हैं, ये देखिए पूरा ये सूखा पड़ा है। अब इसकी हम करने वाले हैं सफाई। जाने से पहले इसे हमने इसमें बैठा दिया था, एक हमने डाल बैठाई थी और अच्छे से इसमें दो डाले बन गई। चलते हैं नीचे, और ये आके साहब झूले पे बैठ गए। मुझे मैगी खानी है।
मम्मी बनाए थे, तो सूटकेस भी हमने नहीं खोला, उसे भी कपड़े उपड़े निकाल के रखना है। और ये जो मंगाए थे हमने, ये भी अनबॉक्स करना है अभी हमें। और ये भी देखिए, स्कूल से आए, मौका मिल गया कि स्कूल बंद है तो फौरन लेके आए, चाय वाय पी आराम से सो गए। 2.5 घंटे से आराम से सो रहे हैं, अब हम इन्हें उठाने वाले हैं और बहुत ही आराम से उठाएंगे, वरना क्लास लग जाएगी मेरी अगर आराम से नहीं उठाया। हेलो, उठ जाइए, उठिए, बारिश हो रही है, बहुत अच्छी बारिश हो रही है, उठिए, टाइम हो गया, अब खाने का भी टाइम हो गया, उठिए। देखा, और अभी हम थोड़ा सा गुस्से में आके उठा देंगे तो आफत हो जाएगी, तो हंसी भी आ गई, तो अब ये है, आप तो सुन ही रहे हैं, तो उठ जाइए। चलिए बाहर देखिए, बड़ा अच्छा लग रहा है, हवाओं के साथ बारिश हो रही है, वो फुहार वाली। चलिए उठिए, अनबॉक्स कर लेते हैं जो सामान मंगाया था हमने, वो अनबॉक्स कर लेते हैं। तो सामान हम करते हैं अनबॉक्स। कौन सा सामान कर चुके हैं? अब आज पूरे किचन में मेरे गन मचाए हुए हैं, ये देखो क्या हो रहा है। मैगी बनने जा रही है, अब आ गई है इनकी पिटाई की शामत, अभी इनकी हम पिटाई करेंगे। कोई गम नहीं मचनी चाहिए बान, जब भैया स्कूल जाएंगे नहीं तो यही सब करेंगे, मैगी बना के खाएंगे। ऊपर से आया, फिर मैं जो है अपना खाना खाया, उसके बाद मैंने गया नहाने, उसके बाद थोड़ा पढ़ाई किया, और अभी मैं खड़ा था, वेट कर रहा था कि रिजवान आए, क्योंकि कल मैं दिल्ली से आया था तो सोचा था थोड़ी मुलाकात हो जाएगी। और मेरी अम्मी अभी मेरे लिए बना रही हैं सैंडविच, और मैं कर रहा था अभी रिजवान का वेट, तो देखते हैं अंदर। अम्मी अभी सैंडविच बना रही हैं, वो भी खाते हैं। तो ये देखिए, मेरी अम्मी ने सैंडविच बना रही हैं, और देखिए इसमें चीज़ डाला, वाओ। और ये देखिए, मेरी अम्मी ने चाय भी बनाई है मेरे लिए, खाते हैं फिर आपसे मिलते हैं, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी सैंडविच बनने वाला है चीज़ के साथ। तो अभी 2 दिन पहले कुछ ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट पर हमने, तो आज आया है अभी, तो पैकिंग बड़ी अलग टाइप की है, इसके अंदर क्या है वो देखने वाली बात होगी। मुझे तो यार क्या ऑर्डर किया हमने, हमें खुद ही नहीं पता, और ये पैकिंग अलग टाइप की है कुछ, इसमें क्या हो सकता है, अब खोलते हैं तो पता चलेगा, इसमें दिखाते हैं आपको, इसको खोल रहे हैं फटाफट, पता चल गया क्या मंगाया था हमने, ऑर्डर नहीं किया था, ये नगमा ने किया था। तो अब डेली मेरे यहाँ अनबॉक्सिंग होने वाली है, क्योंकि मैंने बहुत सारा सामान ऑर्डर किया है घर के लिए, कुछ छोटे मोटे छोटे मोटे सामान मैंने ऑर्डर किए हैं घर के लिए, तो डेली मेरे यहाँ कुछ ना कुछ अनबॉक्सिंग होने वाली है, आपको दिखाते रहेंगे क्या क्या है। मार्केट में मारामारी होती है, मार्केट जाओ, अपना टाइम बर्बाद करो, उसके बाद वहाँ सामान पसंद करो, और अगर सामान नहीं पसंद आ रहा है घर आने पे, तो उसके लिए फिर हमें जाना पड़ता है, वहाँ 10 नखरे देखने पड़ते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप फ्लिपकार्ट से मंगा लो, पसंद आए तो रख लो, वरना वापस कर दो, ये तो हमें बेस्ट लगता है। क्या मंगाया है? सब्र, तुम तो जो, अरे मेरी साइकिल बाहर खड़ी, सौरभ जोशी का, वो उठा ले जाएगा कोई, अंदर साइकिल बहुत तेज ले जाएगा बेटा, कोई ठीक है। ये अच्छा हमने मंगाया था जो वो चीनी के थे, ये चीनी का है, और इसमें वो जो इसमें वो वाले जो प्लांट आते हैं, कौन सा प्लांट, वो भी कैक्टस, हाँ वो प्लांट, बस इसमें कोको बीट डाल के बस इसमें बो के, और फिर अच्छा वो जो प्लांट है ना, तो वो हम कहीं भी रख सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, बस उसको हवा और रोशनी मिलनी चाहिए। तो ये हमने सोचा था मंगा के देखेंगे, अगर ठीक लगा तो ठीक है, सब अलग अलग से है, ये देखिए सब एक ही तरह, ये देख लो पहले तुम, किसी का थोड़ा सा यू है, थोड़ा सा बस, लगभग एक ही है सब। तो अभी जो बड़े वाले डब्बे की अनबॉक्सिंग की थी, उसमें प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, क्वालिटी बहुत खराब है उसकी, तो उसको रिटर्न कर दिया है, तो अब वो कल आएगा ले जाएगा,
फिर देखते हैं कि अगर उस टाइप का कोई चीज मिल जाती है तो मंगाएंगे, वरना फिर उसको कैंसिल ही कर देंगे सीधे। तो भैया मिसेज आ गई है, घर की रौनक घर में आ गई है। तो भैया किचन विचन सब एकदम चूल्हा वूल्हा एकदम साफ है। तो हम कैसे रखते थे? हम भी साफ रखते थे यार, इन्हें रखते थे बहुत साफ रखा। अच्छा, घर में जीगा जीगा जाला लगा है। तो उससे क्या होता है, वो तो मकड़ी का काम, मेरा काम थोड़ी ना है। तो आपको पता है आपकी अम्मी को सख्त जो है जाले से नफरत है। अच्छा, आपकी अम्मी को सही बताओ। इसीलिए हम जो है मतलब मेरी, लेकिन घर हमने साफ रखा की साफ रखा, मगर आपने जाले नहीं छोड़ा है। अच्छा देखिए भैया, इल्जाम लगा रही मेरे ऊपर, जाले छुड़ाते हम खड़े होके हैं, इतना वहाँ पर टाइम नहीं था भैया कि हम जाले छुड़ाएंगे तुम्हारे घर के। मेरा घर थोड़ी है आपका घर, लेकिन घर साफ हो गया भैया। मैडम आ गई, तुम घर साफ हो गया, ये देखिए साफ साफ हो गया। अब भैया रोटी भी इनके हाथ की खाने की मिल रही है। अभी क्या खाना, लौकी खाना? कुछ खिला दो यार, तुम तो सब चीज बढ़िया बनाती हो। तो भैया वाइफ आई है तो काम तो करना ही पड़ेगा, अब मार्केट भी जाना है, सामान भी लाना है। अपना क्या था, कभी जाओ कभी नहीं जाओ, सामान है नहीं है खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आई है, चलो मार्केट चलो मार्केट चलो मार्केट चलो भैया मार्केट। हमें शॉपिंग कराने नहीं ले जा रहे हैं आप, घर के सामान के लिए ले जा रहे हैं। तो शॉपिंग ही हो गई, शॉप पे जा रही हो, इंग करने जा रही हो शॉपिंग। मेरी शॉपिंग तो अभी चलते हैं शॉपिंग सागर क्या चलते हैं उनके यहाँ कुछ संभाल लेते। सागर भाई कैसे हैं? बहुत बढ़िया। आज काफी दिन के बाद हम लोग संभाल रहे हैं। बहुत दिन बाद, अभी थी नहीं और अम्मी की तबीयत तो, अम्मी की तबीयत अब ठीक है आज बड़ा कुछ। हाँ बड़ा है, कीवी वगैरह मंगा के दी थी और बकरी का दूध, बकरी का दूध और जो पपीते का पत्ते का जो जूस होता है वो पीवा खट्टे में। तो आज तबीयत ठीक है उनकी, मतलब डॉक्टर ने कुछ ताकत की दवाई भी लिखी तो वो भी दिया। तो घर के कुछ सामान तो हम लोग आए थे, आपको बताया था। जैसे जा रहे हैं, गाड़ी का ट्यूब अगला वाला खराब हो गया, क्योंकि कल बबलिंग कर रही थी गाड़ी बहुत ज्यादा, तो इस वजह से आज हमने हवा सोचा है उसमें कम होगी, लेकिन उसका ट्यूब ही खराब हो गया है। तो उसको भी चेंज कराना है जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम हो रहा है, अभी इवेंट में भी निकलना है हमको। तो चलो उसको चेंज करा लेते हैं पहले। तो अब्बा गाड़ी सही करवा के बहुत लेट आए थे, और बहुत ही ज्यादा वो लेट आए थे, और अपना खाना वाना खा के वो तैयार होके इवेंट में चले गए थे। और उसके बाद मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ। और आज बबली आंटी का फोन आया था, वो कह रही थी कि वो लखनऊ आ रही है घूमने, और कह रही कि मेरे घर भी आएंगी। और वो हम लोग जब दिल्ली गए थे वही नीचे फ्लोर में रहती थी वो भी, और ऊपर बहुत हम लोग अच्छे से दोस्त थे, मैं और अफनान, और वो भी आ रहा है अफनान, और उसके साथ उसकी छोटी बहन आयजू भी आ रही है। और मुझे तो बड़ा मजा आएगा कल, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और यहीं पे अपना वीडियो करते हैं एंड। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, लाइक करिए मेरे चैनल को। अगर मैंने देखा है आप 75% लोग मेरा वीडियो तो देखते हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए। तो मिलते हैं कल सुबह अपने नए मेहमानों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।